आदेश का पालन हो रहा है। सही, कुछ तड़कता भड़कता सुनाओ बेटे। तड़कता भड़कता सुनेगा। अजय भाई कितनी ध्यान से देख रहे हैं। सुनेगा। गाना कह रहा है क्या कि इक्स विक्स और प्यार प्यार में नंबर वन पंजाबी। छुपाए मारल बनी है नाभि तो
कमाल की है नाभी जी का जंजाल भी है नाभी ये हमारे दादा श्री राजीव मिश्रा जी और हमारे एसके सैनी जी, दादा श्री संतोष गुप्ता जी, बड़े भैया श्री हमारे राकेश वर्मा जी और हमारे बड़े भैया संजय भैया की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बारंबार आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। आ रही हमारी बड़ी बहन नीलम विश्वकर्मा जी, उससे पहले हमारे दादा श्री सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी। नाभी जी का जंजाल है नाभी, बहुत बढ़िया ये सब लेटेस्ट गीत सुनने को मिल रहे हैं। और रावण की नाभि में अमृत, कस्तूरी की नाभि में भी अमृत ही है। बहुत बढ़िया, न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज आती है किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली से आती है। जो माँ की थाली से हमारे बीच में पुलिस प्रशासन कैसे सक्षम अधिकारी थाना अध्यक्ष महोदय और उनसे सभी साथ में आए हुए सुरक्षा सम्मान, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। कितनी कमाल की है नाभि जी का जंजाल है नाभि, रावण हो या चाहे जो हो, क्योंकि विभीषण के घर में राम राम देख करके रावण ने कहा कि मेरे दुश्मन का नाम क्यों लिखा गया है, तो कहा राम राम किसी दुश्मन का नाम नहीं है, इसमें आपका और भाभी का नाम है, क्योंकि राज से रावण और माँ से मंदोदरी, तो मैंने कहा दुश्मन का नाम लिखा है क्योंकि राज से रावण और माँ से मंदोदरी। माना बेबी को बेज पसंद है, सलमान को एज पसंद है, माल्या को केस पसंद है, लालू को भेष पसंद है। हालांकि हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के आदमी नहीं है, न कोई राजनीतिक मंच है, लेकिन लालू को भेष पसंद है। दोस्तों, हम सभी लोगों ने मिलकर ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जिसको अपना देश पसंद है। आइए सीधा लिए चले एक बार पूरा नीलम विश्वकर्मा जी की तरफ। मैं सूर्य प्रकाश द्विवेदी कुलवार बाजार सुल्तानपुर से आकर के, और देखिए चुना है और ऑल इंडिया कीर्तन विश्वकर्मंच के जो हमारे एसके जौहरी आदरणीय राकेश वर्मा, संतोष गुप्ता, संजय भैया, राजू मिश्रा, आप सबकी तरफ से बहुमूल्य पुरस्कार आए हैं। 35 मिनट का समय है, हंसना बहुत जरूरी है क्योंकि जो हंसता है इस जमाने में, जो हंसता है वो फंसता है, जो नहीं हंसता वो उससे ज्यादा फंसता है। मत हंसो किसी गरीब पर, किसी वृद्ध पर, किसी खाट पर पड़े हुए बीमार पर, मत हंसो किसी अबला के फटे हुए आंचल पर, किसी बेरोजगार को नौकरी की तलाश में ढोते हुए किसी बेरोजगार पर। हंसना है तो तब हंसो जब किसी बेघर को घर मिल जाए, हंसना है तब हंसो जब किसी बेघर को घर मिल जाए, जब किसी गरीब कन्या को बिना दहेज का वर मिल जाए। हंसो जैसे फूलों पर तितलियां हंसती हैं, जैसे गजलों की बहरे हंसती हैं, जैसे लहलहाती हुई फसल को देखकर किसान हंसते हैं। हंसो तब जैसे जंग जीतने के बाद सीमा पर जवान हंसते हैं। आइए, क्योंकि हमारे बीच में जैसा सचदेवा ने कहा कि हमारे यहाँ तीन सेना है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तो जब थल सेना के कर्मचारी हमारे पास मौजूद हो तो थोड़ा सा जोश इस संस्था में भी आ जाता है। ऐसे पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों का, सभी माताओं बहनों का, जागेश्वर समिति के लोगों की तरफ से आए हुए सभी लोगों का कोर्चा। और मैं चाहूंगा कि इतनी अच्छी हमारे कमेटी वालों के लिए अगर सदस्यों के लिए ताली नहीं बजी तो सब बेकार है। अच्छी व्यवस्था के लिए हमारे सभी पदाधिकारियों के लिए जोरदार ताली और स्वागत करें। आ रही है नीलम विश्वकर्मा जी। आइए थोड़ा 30 सेकंड का और हम समय ले रहे हैं, बिल्कुल प्रिपेयर है, चूंकि धुआंधार क्रम चल रहा है। एक बार एक गाड़ी से हम चले आ रहे थे,
हैदरगढ़ बस स्टेशन के पास, हैदरगढ़ बस स्टॉप के पास नवरात्र में लगातार प्रोग्राम चल रहे थे और हमें जाना था संडीला। हमारे गुरुजी रतिराम ज्ञानी जी एक कार्यक्रम में हमें बुलाए थे, तो बस अड्डे पे आई के रुकी, जैसे सिटी बस एक केबी दी चढ़ गई, लड़के बच्चे 10। हम पूछे आंटी जी ये सब लड़के आपके हैं? तो गुस्साए बोली का तुम्हारे बाप के हैं। बहुत बढ़िया, हंसना बहुत जरूरी है, अच्छा कार्यक्रम देख रहे हैं और बस शीघ्र ही हम आह्वान कर रहे हैं नीलम विश्वकर्मा जी अपने सुंदर कार्यक्रम के साथ यहाँ पर प्रस्तुत होने चल रही हैं। और इस देश में तीन तरह के, इस बात को कह करके मैं नीलम जी बिल्कुल तैयार हैं जवाब के साथ, इस देश में तीन तरह के लोग रहते हैं, एक खून पसीना बहाने वाले, दूसरे पसीना बहाने वाले, तीसरे खून बहाने वाले। खून पसीने वाला रिक्शा चलाता है, पसीने वाला घर चलाता है और खून बहाने वाला देश चलाता है। रिक्शे वाला मजदूर होता है, घर वाला मजबूर होता है और देश चलाने वाला मशहूर होता है। हालो जग, हालो बढ़ा दे, हालो कम हो जाता है, हालो हालो ठीक, हालो बढ़िया बहुत ही बढ़िया। हाँ चक्र अभी आप लोगों ने सुना है, हाँ बेटे, छोटे भाई सचदेवा जी की ओर से, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, सुंदर सा कटपीस सुना है नाभी और हाभी। हाँ भाई और क्या कहा है आपने? हाँ कि बहन जी आपने चालाकी कर दी। और क्या बेटे, सचदेवा जी क्या कम कहीं से रंग रूप में चालाक देखते हैं क्या? ना बेटे आप कह रहे हैं चालाकी कर दी, आपने जो जवाब दिया है बहुत बढ़िया है, आपने कहा कि बेटा बाप को जवाब दे, ये संस्कार नहीं है। लेकिन भैया जी आप साहित्यिक मंच पर हैं बेटे, और वहाँ जवाब पिता को नहीं देना है, क्योंकि जब पिताजी सिखाते हैं तो ये साहित्य की लड़ाई है, जितना जो कुछ भी बनता है आपने स्वीकार किया, इस बात के लिए कुछ नहीं कहना, लेकिन एक निवेदन जरूर है कि आपने जो जवाब दिया है एक बार जाकर उसको पढ़ना जरूर आर्गा, बिल्कुल घर में पढ़ना आर्गा। आपने बताया है कि हार व्यवहार आहार, सचदेवा जी बिल्कुल, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं बड़े भैया, ये कालकूट भगवान का आहार नहीं था ना बेटे, भगवान भोलेनाथ कालकूट जहर का आहार नहीं करते थे, क्या वो तो जन कल्याण के कारण प्रभु से उन्होंने विनय सुनाई देवताओं ने, तो उन्होंने अपने कंठ में धारण किया है। क्या बेटे क्या, लेकिन जो कुछ भी है बढ़िया है बेटे, बहुत बढ़िया। आपने कहा है बहन आप फसाने वाले गीत गाते हैं, ना चालाकी करती हैं, लेकिन बड़े भैया ये आपका मानना है, जब आपने ये सोच ही बना ली कि मैं चालाकी करती हूँ फसाने वाले गाती हूँ तो ये आपका मानना, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं भाई, आपने नहीं सुना है इसके लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल पुरानी धुन है, सभी लोग जानते भी है, हर बच्चा बच्चा गाता है। बिल्कुल साधारण सा गीत था, कहीं कोई परेशानी की गीत और क्या बेटे, चलो छोड़ो, और मेरे द्वारा भी कोई ऐसा गीत नहीं डालूंगी सचदेवा जी, बिल्कुल, क्योंकि आप अपने हैं, बिल्कुल बेटे, तो जब अपने हैं तो गीत आनंद का होगा और क्या बेटे, जवाबी बिल्कुल ईमानदारी से होगी। देखिए हमको चालाक बता रहे हैं और क्या, और गीत गा रहे हैं नंबर वन,
आइए प्रयास कर रही हूँ। चलो बेटे, हालांकि इतने जल्दीबाजी के वाले गाना हमसे बनते नहीं। बिल्कुल, आइए सुनिए सुने कि इश्क विश्क में प्यार व्यार में नंबर वन पंजाबी। लड़की जो देखी गुलाबी कर दे धमाल पंजाबी। लेकिन बहुत बढ़िया गीत आया है, बहुत बढ़िया बेटे। आपने कहा है नाभी, 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 नाभी। हमारे राकेश भाई हंस रहे हैं, नाभी और नाभी। लेकिन आइए प्रयास कर रही हूँ आपके नाभी और हाभी का। हार गया बेटे। आइए देखिए, ये आपके घर का गाना है, आर का बेटे, और हम लोगों का प्रयास मंच का है। बिल्कुल, और आपने जो कट पीस दिया है नाभि, वो चारों युगों में दिया है। देखिए प्रयास कर रही हूँ, और प्रयास हमारे भाई ऑल इंडिया विचार मंच कीर्तन के सभी भाई आए हैं, हमारे दादा संतोष भैया जी। हमारे सम्मानी दादा संतोष गुप्ता जी, आपका स्नेह भरा ये अनगिनत पुरस्कार, देखिए जो आपका स्नेह मिल रहा है इसकी कोई तुलना नहीं है, ना इसका कोई नाप तोल है। बिल्कुल बेटे, कुछ लोग बोलने में वाचाल होते हैं, बोलकर व्यक्त कर देते हैं, लेकिन बड़े भैया सच मानिए आपका स्थान हमारे हृदय में कुछ और है। आप जैसे पड़े हैं वैसा ही आपका स्थान सुरक्षित है। सभी लोग से निवेदन है, गीत को सुनेगा आशीर्वाद की कामना है। बहुत बढ़िया शाबाश, आइए सुनिए सुने कि कामदेव को भस्म कर दिया कारण बनी है आखी। तो कि कामदेव को भस्म कर दिया कारण बनी है आखी। तो त्रिफला की उत्पत्ति का कारण बनी है आखी। और कालीवन जो कालयवन है कि कालयवन को भस्म ऋषि कालयवन को भस्म किया ऋषि मुचुंद की आखी। मुचुंद की आखी ने भस्म कर दिया तो कालयवन को भस्म किया ऋषि मुचुंद की है आखी। सूरदास को फोड़ दिए दर्शन का देखे, सूरदास ने फोड़ दिए दर्शन के बाद ये आखी। भगवान कन्हैया के दर्शन किए, कहा प्रभु अब मुझको कुछ नहीं देखना, अपनी आंखों को फोड़ लिया तो कहना क्या? सूरदास ने फोड़ दिया है दर्शन बाद ये आखी। तो चारों युगों में है आखी, चारों युगों में चल रही है, चारों युगों में है आखी, जन्म मरण बनी आखी। चारों युगों में है आखी, जन्म मरण बनी आखी, चारों युगों में आखी।
स्मरण बनी आखी।